गुड आफ्टरनून दोस्तों, एमडी करियर क्लास में आपका स्वागत है। आ जाइए जल्दी से और जुड़िए हमसे। हमारा टॉपिक चल रहा था अकबर, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कल हमने बताया था आपको कि अकबर ने पेटीकोट शासन, बैरम खां के शासनकाल का अंत, अकबर के कुछ सुधार, और आज देखते हैं हम अकबर के नवरत्नों के बारे में चर्चा करते हैं। अकबर अकबर और उसके नवरत्न। अकबर के नौ नवरत्न थे। इनमें पहला नंबर आता है बीरबल का। बीरबल का नाम आता है। बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि, प्रदान की थी। और इसे यानी हादरी जवाबी हाजिरी जवाबी देने में बीरबल माहिर था। बीरबल को खान देश का राजा बनाया था। ऐसा कहते हैं, बीरबल अकबर के नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ नवरत्न था, अकबर का प्रिय मित्र और सखा था। और ऐसा कहते हैं कि 1583 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। तो बीरबल अकबर का श्रेष्ठ नवरत्न था। दूसरे नंबर का नाम आता है अबुल फजल। अबुल फारसी भाषा का उच्च कोटि का विद्वान, था। इसने अकबर नामा और आईने अकबरी का अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इसकी हत्या करवाई थी वीर सिंह बुंदेला के हाथों में 1602 ईस्वी में। देखिए, तीसरे नंबर का आता है तानसेन। तानसेन को अकबर ने कंठाभरण की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन को कंठाभरण की उपाधि प्रदान की थी। बहुत ही ऊंचे स्वर में गाता था। ऐसा कहते हैं, जब तानसेन गाता था तो बारिश होती थी। अब क्या पता बारिश हो या नहीं हो, लेकिन अच्छा सुर का था। अकबर ने इसे कंठाभरण की उपाधि दी थी। चौथा नंबर का था मानसिंह। मानसिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब 7,000 का मनसबदार बनाया था, जो हिंदू शासकों में सबसे ज्यादा मनसबदार मानसिंह का था 7,000, और मुसलमानों में मिर्जा अजीज को का मिर्जा अजीज कोका का था, इसका भी 7,000 का था। अकबर ने इसे फरजंद राजा अकबर ने इसे मिर्जा और फरजंद राजा की उपाधि दी थी। फरजंद राजा का मतलब होता है बेटे जैसा। तो चार नंबर का जो मनसबदार था वो मानसिंह था। पांचवें नंबर का मनसबदार राजा टोडरमल था।
राजा टोडरमल को अकबर ने वित्त मंत्री बनाया था? वित्त मंत्री बनाया था, और इसने 1580 ईस्वी में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए दयशाला बंदोबस्त चलाया था। दयशाला बंदोबस्त चलाया था। छठे नंबर का अकबर का तानसेन अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खां का पुत्र था। इसने बाबरनामा का जो तुर्की भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि माना जाता है, और ये बैरम खां का पुत्र था। बाबरनामा का जो तुर्की भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में इसने क्या किया था, अनुवाद किया था। सातवें नंबर का था फैजी। सातवें नंबर का फैजी था, और आठवें नंबर का मुल्ला दो प्याजा। आठवें नंबर का मुल्ला दो प्याजा था। ऐसा कहते हैं, खाना खाते समय दो प्याज साथ में खाता था, इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा हो गया था। और नौवें नंबर का था हकीम हुमाम। हकीम हुमाम। तो ये नौ नवरत्न थे अकबर के, जो अपने समय के सारे उच्च कोटि के विद्वान थे। हकीम हुमाम जो उच्च कोटि का वैद्य था। तो ये नौ नवरत्न थे अकबर के, जो अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ नवरत्नों में माने जाते हैं अकबर के। और अकबर के दरबार की ये सब शोभा बजाते थे। एक बार फिर से देखिए आप, अकबर के नौ नवरत्न थे। एक शासक हुए हैं गुप्त काल में, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य सेकंड, उसके भी दरबार में नौ नवरत्न रहा करते थे। इसके बाद में अकबर के नौ नवरत्न थे, शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, और दक्षिण भारत के शासक कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज थे। तो इस तरह से अकबर के नौ नवरत्न थे। पहला था बीरबल। बीरबल जिसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी, हाजिरी जवाबी देने में माहिर था। और ऐसा कहते हैं, अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म अपनाया था, दीन ए इलाही जो धर्म चलाया था, बीरबल ने उसे अपनाया था। बीरबल ने अपनाया था। एकमात्र बीरबल ऐसा था जिसने दीने लाई धर्म को अपनाया था। देखिए, अबुल फजल दूसरे नंबर का था। ये फारसी भाषा का उच्च कोटि का विद्वान था। इसने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की।
तीसरे नंबर का तानसेन था जो उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। ऐसा कहते हैं जब ये गाता था, धुन बजाता था तो बारिश होती थी। इसे अकबर ने कंठाभरण की उपाधि प्रदान की थी। मीठे स्वर में गाता था। ये रीवा के शासक रामचंद्र की सभा में था, अकबर ने इसे बुलाया था। चौथा नंबर का था मानसिंह। ये आमेर के शासक मानसिंह थे और भारमल का पौत्र था और भगवान दास का पुत्र था। अकबर ने इसे अपना 7,000 का मनसबदार बनाया था। और मिर्जा और ऐसा कहते हैं और फर्जंद राजा की उपाधि प्रदान की थी, यानी बेटे जैसा। 7,000 का मनसब मुसलमानों में मिर्जा अजीज कोका को था और सबसे ज्यादा मनसब मानसिंह का था राजपूत शासकों में। इसके अलावा आप देखिए, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। 1580 में दहसाला बंदोबस्त चलाया था, यानी कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में कर दिया था इन्होंने। भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में कर दिया था। पोलच, चाचर, ऊसर और बंजर। इस तरह से भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था, जिससे किसानों की स्थिति सुधरने लगी। जिसके पास में जैसी भूमि आई थी उससे उतना ही कर वसूला जाता था, इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ था। छठे नंबर का था अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां, मैंने जिक्र किया था आपसे कि अकबर ने उसे मक्का मदीना भेजा था और पाटन गुजरात में उमर खान जो एक पठान था उसके द्वारा मारा गया था। आप देखिए, इसने बाबरनामा का तुर्की भाषा में अनुवाद किया था, यानी बाबरनामा का जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फेजी 7वें नंबर का था। ये शेख मुबारक का पुत्र था। शेख मुबारक का पुत्र था और अबुल फजल का बड़ा भाई था। मैंने बताया था, एक दिन जिक्र किया था जब हमने शुरुआत की थी अकबर के, यानी पिछली क्लास में, कि जो अकबर को, यानी कि मगहर की स्थापना की थी या मजहर की स्थापना की थी, जो फरमान जारी किया गया था वो शेख मुबारक के द्वारा जारी किया गया था। शेख मुबारक का ये बड़ा पुत्र था और अबुल फजल है छोटा पुत्र था। तीनों बाप बेटे अकबर के दरबार में थे और ये हमारे राजस्थान यानी नागौर जिले के रहने वाले थे। मुल्ला दो प्याजा, ये लथीफे और हँसी वाले थे। और ऐसा कहते हैं, खाना खाते समय अपने साथ में ये दो कांदे या दो प्याज खाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया था दो मुल्ला प्याजा। हकीम हुमा ये उच्च कोटि के वैद्य थे। तो ये 9 नवरत्न थे अकबर के दरबार में। आगे नेक्स्ट देखिए, अकबर और नागौर दरबार। देखिए, अकबर ने 1570 ईस्वी में 1570 ईस्वी में शुक्र तालाब के पास नागौर दरबार लगाया था। शुक्र तालाब के पास नागौर दरबार लगवाया था। इस दरबार की खास विशेषता थी, इस दरबार की जो खास विशेषता ये थी, देसी शासकों को
अपने अधीन लाना था। देशी शासकों को अपने अधीन लाना था। अकबर ने दो प्रकार की नीति अपनाई थी, दो प्रकार की नीति। पहली नीति थी सुलह कुल की, सुलह कुल की। सुलह कुल का मतलब होता है प्रेम भाईचारा। दूसरी नीति थी अकबर की, वो थी साम्राज्यवादी, यानी कि अपने राज्य का विस्तार करना। अकबर ने सुलह कुल की नीति के तहत 1570 ईस्वी में शुक्र तालाब के पास, यानी नागौर में, नागौर के दुर्ग में ये दरबार लगवाया था। इस दरबार की मुख्य विशेषता क्या थी? देशी शासकों को अपने अधीन लाना था। जो भी शासक अकबर के दरबार में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, उसका राज्य उसे वापिस लौटा दिया जाएगा। उसका राज्य उसे वापिस लौटा दिया जाएगा। अगर कोई शासक अकबर के दरबार में नहीं आता है तो उसके राज्य पर आक्रमण किया जाएगा और उसके राज्य पर अधिकार किया जाएगा। ये अकबर की नीति थी। तो आप देखिए, नागौर दरबार में लगभग लगभग देशी रियासतों के जो शासक थे, नागौर दरबार, नागौर दरबार में लगभग देशी रियासतों के शासक जितने भी थे, सबने भाग लिया था। आप देखिए, अगर हम बात करते हैं आमेर, आमेर से जो शासक आया था भगवंत दास, भगवंत दास मानसिंह, ये आमेर की तरफ से थे। अगर हम बात करते हैं जैसलमेर, जैसलमेर से हर राय आया था, हर राय भाटी। अगर हम बात करते हैं बीकानेर से, बीकानेर से राव कल्याणमल आया था, और इन सब ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। देखिए, मारवाड़ यानी जोधपुर से, मोटा राजा उदय सिंह ने इस दरबार में भाग लिया था। जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन, जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन ने भी
दरबार में भाग लिया था। परंतु अकबर से मिले बगैर ही, अकबर से मिले बगैर ही वापिस आ गया था। इसलिए जोधपुर का राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, और ये अपने अंत समय तक अकबर से युद्ध लड़ता रहा, और लड़ते 1581 ईस्वी में ये मारा गया था। इसे मारवाड़ का भोला विसरा राजकुमार कहा जाता है, भोला विसरा राजकुमार, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। क्योंकि ये मिलने तो गया था दरबार में, लेकिन इसके दो बड़े भाई थे, पहला था राम और दूसरा था मोटा राजा उदय सिंह। ये दोनों पहले से ही अकबर की शरण में बैठे हुए थे, या यूं कह सकते हैं अकबर के दरबार में अकबर की चापलूसी कर रहे थे। तो ऐसा नज़ारा देख करके, यानी कि राव चंद्रसेन मिलने तो गया था अकबर से, लेकिन इन दोनों को पहले से ही मौजूद पा करके वो अकबर से मिले बगैर वापस लौट आया था। और ऐसा कहते हैं, जब इस बात का पता अकबर को लगा तो उसने 1564 ईस्वी में हुसैन खां, हुसैन अली खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी राव चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए जोधपुर, जिसका सामना राव चंद्रसेन ने किया था, परंतु वो हार गया था। तो आप देखिए, एक तो वो शासक थे जो अकबर के दरबार में शामिल हुए, और शामिल होकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव कल्याणमल के बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। भगवंत दास और मानसिंह हैं, ये पहले से ही इनकी शरण में थे, आगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसलमेर का शासक था हर्राय भाटी, वो भी शरण में आ गया था। अब एक रियासत बची थी और वो रियासत थी मेवाड़। एक रियासत थी और रियासत का नाम था मेवाड़ रियासत। तो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत का उस समय जो शासक था, मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत का जो शासक था उसका नाम था उस समय राणा उदय सिंह। और राणा उदय सिंह ने, या यूं कह सकते हैं राणा उदय सिंह नागौर दरबार में नहीं पहुंचा था, या यूं कह सकते हैं राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, भाई स्वीकार नहीं की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे भी तो कैसे, क्योंकि राणा उदय सिंह उस समय नागौर दरबार में नहीं पहुंचे थे, और जब नागौर दरबार में जो व्यक्ति पहुंचा ही नहीं है तो वो अकबर की अधीनता कैसे स्वीकार करेगा। इसलिए आप देखिए, राणा उदय सिंह के खिलाफ अकबर ने पंद्रह सौ सड़सठ अड़सठ में, यानी मेवाड़ पर, मेवाड़ बोले तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। अब बात आती है कि एक तो राणा उदय सिंह, यानी कि अब ये नागौर दरबार तो बाद की घटना है, लेकिन चित्तौड़ पर, यानी कि अकबर की विजय, अकबर की विजय, अकबर की विजय, तो देखिए नागौर दरबार तो बाद की घटना है, लेकिन फिर भी राणा उदय सिंह इस दरबार में नहीं पहुंचे थे। लेकिन दूसरी घटना क्या है, आक्रमण करने की मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर अकबर की, पहला रीजन क्या था, देखिए मेड़ता, मेड़ता पड़ता है नागौर में, और मेड़ता का शासक था जयमल राठौड़।
जयमल राठौड़ के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें भी हाथियों के बराबर ताकत थी। अकबर ने इसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन जयमल राठौड़ ने यह कहा था कि मेरा सिर झुकेगा तो झुकेगा सिर भी ईश्वर के सामने, किसी तुर्क या मुसलमान के सामने नहीं। इसलिए अकबर ने जयमल राठौड़ और उनका भतीजा बीर कल्ला राठौड़ अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया और मेड़ता को जयमल राठौड़ और बीर कल्ला को छोड़ना पड़ा और उनको संरक्षण प्रदान किया था चित्तौड़ में, यानी कि संरक्षण प्रदान किया था राणा उदय सिंह ने। राणा उदय सिंह ने जब अकबर ने इन दोनों को वापस मांगा तो राणा उदय सिंह ने मना कर दिया था। पहला रीजन था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का, यानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण। तो पहला कारण क्या था? जयमल राठौड़ और बीर कल्ला राठौड़ को संरक्षण प्रदान देना था उदय सिंह के द्वारा। दूसरा रीजन था बाज बहादुर ये मालवा का सुल्तान था। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने मालवा पर आक्रमण करवाया गया था या किया था और ये इसको भी संरक्षण यानी कि शरण प्रदान की थी राणा उदय सिंह ने। जो अकबर के विद्रोही थे उनको संरक्षण दिया गया था राणा उदय सिंह के द्वारा। विद्रोहियों को जो संरक्षण दिया गया था वो दिया गया था राणा उदय सिंह के द्वारा दिया गया था। इस तरह दूसरा रीजन ये था कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का रीजन। तीसरा रीजन था गोंडवाना की रानी थी दुर्गावती। दुर्गावती को भी राणा उदय सिंह के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये कई रीजन थे कि यानी अकबर के जो विद्रोही थे या अकबर के जो दुश्मन थे उन सबको संरक्षण प्रदान किया गया था या दिया गया था राणा उदय सिंह के द्वारा। इस वजह से अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे। ये मेन रीजन या कारण हो सकते हैं, क्योंकि अकबर एक विस्तारवादी शासक था और जो अकबर के दुश्मन थे उनको संरक्षण प्रदान किया था राणा उदय सिंह के द्वारा। इसलिए अकबर ने 1567-68 में यानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत। हम कल इस पर डिस्कस करते हैं, कल चर्चा करते हैं अकबर और मेवाड़ पर आक्रमण, और ये मेवाड़ का तृतीय शाखा था। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए और आपका कंटिन्यू जो टॉपिक है हमारा मुगल वंश का, वो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर क्लास समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो लाइक और शेयर जरूर करो दोस्तों MD करियर क्लास को। धन्यवाद।